फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी तुर्की वीजा पे। तुर्की का वीजा आपको पता है कि काफी एक अच्छा वीजा है, स्ट्रॉन्ग वीजा है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी, और स्पेशली जिन लोगों ने यूरोप वगैरह जाना होता है तो वो कोशिश करते हैं कि या तो तुर्की के साथ यूरोप का शेंगन का प्लान दिया जाए या फिर तुर्की पहले ट्रैवल कर लें और उसके बाद फिर आगे शेंगन का प्लान करें, क्योंकि तुर्की का वीजा काफी स्ट्रॉन्ग वीजा है और अच्छा वीजा है स्पेशली ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए। आजकल तुर्की वीजा में थोड़ी सी चेंजेस आई है, स्पेशली अगर आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं चाहे दुबई की या अबू धाबी की। अपॉइंटमेंट तो पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी मिल रही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 3 दिन के अंदर की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। पहले जब अपॉइंटमेंट ले रहे थे तो उस टाइम जो पेमेंट जाती थी अपॉइंटमेंट की वो 489 दिरहम थी, जिसमें जो VFS की यानी जो गेटवे है उनकी फीस होती थी और प्लस जो है ट्रैवल इंश्योरेंस की फीस होती थी। अब जो है कुछ दिनों से उन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया है, अब आपसे जस्ट जो जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो 270 दरम जो है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। बाकी जो आपने पेमेंट करनी है ट्रैवल इंश्योरेंस की वो आप वहां उन जब जाएंगे VFS के ऑफिस में वहां पे करेंगे, एम्बेसी की फीस वहां पे करेंगे, कोरियर की फीस आप वहां पे करेंगे, SMS की फीस जो है वो भी आप वहां पे करेंगे। अगर आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि सब लोगों के पास नहीं होता, ठीक है, तो आप जब आपका NOC लेटर बनाते हैं तो आप आपकी कंपनी से रिक्वेस्ट करके एक चीज आप उसमें ऐड करा दें के अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी, ठीक है जी। तो ये इश्यू जो आ रहा है कुछ दोस्तों को वो आप इसमें आप कवर कर सकते हैं। बाकी रिजेक्शन भी कुछ दोस्तों की हो रही है, उसमें 2 से 3 रीजन हो सकती हैं। एक रीजन तो ये होती है कि अगर आप बहुत जल्दी वाली ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हो तो उसमें भी समटाइम क्या होता है कि तुर्की वीजा रिजेक्ट कर देता है। जैसे आप अभी कोई एक आध कंट्री का ट्रैवल करके आए हो, फौरन आपने तुर्की का वीजा अप्लाई कर दिया, इस तरह की समटाइम सिचुएशन में भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें आप जबरदस्ती वाली ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनाएं। एक और रीजन भी हो सकती है कि आप UAE में अभी नए हो और आप एकदम डायरेक्ट तुर्की का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो पहले भी मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं कि कोशिश किया करें स्टेप बाय स्टेप आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाए और जबरदस्ती वाली ट्रैवल हिस्ट्री कभी नहीं बनाए। या फिर अगर आपने कोई 1 साल 1.5 साल गुजार लिया है लेकिन आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उस सूरत में आप कोशिश करो पहले आप इजिप्ट का वीजा लगवा लें, आसानी से लग जाता है इजिप्ट का वीजा, उसके बाद आप तुर्की का वीजा अप्लाई करें तो चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि आपका वीजा जरूर लगेगा। ऑल टुगेदर 750 के करीब इसकी टोटल फीस आ जाती है। तुर्की का वीजा थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। और एक चीज और भी है कि अगर आपका किसी भी वजह से वीजा रिजेक्ट हो जाता है, 1 से 2 दिन के अंदर आप जाएं VFS के ऑफिस जाएं, आपका रिजेक्शन पेपर आपका पासपोर्ट लेके 1 से 2 दिन के अंदर वो आपको बोलेंगे ठीक है आप आके पेमेंट ले लें, तो 450 या 460 दरम समथिंग वो आपको रिटर्न कर देंगे। और बाकी ये है कि आप अप्लाई करें, तुर्की का वीजा अच्छा वीजा होता है, स्ट्रॉन्ग वीजा है, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अच्छा होता है, ठीक है जी। तो अगर मजीद आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।